कोविड-19 महामारी के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु 14वें राज्य वित्त आयोग से उपलब्ध धनराशि से संसाधनों की उपलब्धता संबंधित बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने के लिए बनाए गए L1 और L2 के अस्पतालों में ऑक्सीजन किट के साथ वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाए जाने के लिए आने वाले व्यय को लेकर चर्चा की गई तथा चतुर्थ श्रेणी के साथ टेक्नीशियन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने पर चर्चा की गई। बैठक के संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने कहा, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में और CDO, मैं, ADM FR, ये सारे लोग आपदा प्रबंधन की एक बैठक में शामिल हुए थे। सुबह वो मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत सारी पॉइंट्स डिस्कस होने थे और बहुत सारी निर्णय भी लिए जाने थे। वो निर्णय हुए हैं कि हम लोग L1 फैसिलिटी पर एक्सरे और ब्लड टेस्ट की सुविधा बढ़ाएंगे, L2 फैसिलिटी में हमारे वेंटिलेटर्स बढ़ेंगे और वहाँ ऑक्सीजन पाइप की लाइन पड़नी है अलग से, 10 वेंटिलेटर के लिए वो पाइपलाइन किसे दिया जाना है, जो BRD में कर रहे हैं या जो एम्स में कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा हुई है। प्लस कुछ मैन पावर का इशू था जो हमारे पास कम है, उन्हें रखने के लिए भी उस कमेटी ने निर्णय लिया है, डिसीजन दिया है, जिसमें 4th क्लास हैं, टेक्नीशियंस हैं, हमारे लैब टेक्नीशियंस हैं, वेंटिलेटर ऑपरेटर्स हैं और पैथोलॉजिस्ट हैं, इनको रखने की चर्चा हुई है उसमें। और ख़ास बात उसमें ये है कि हम गोरखपुर में बेड्स की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि L2 फैसिलिटी, L3 फैसिलिटी जिनको आवश्यक है, जिन लोगों को वहाँ पे इलाज मिलना है, वो कभी कम ना पड़े और लोगों को वहाँ इलाज मिल सके। उसके संदर्भ में हम प्राइवेट डॉक्टर्स से भी तालमेल बनाए हुए हैं। आज भी हम लोगों की एक बैठक 4 बजे होगी। हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चाहते हैं कि वो इसमें आगे आएँ और शासन ने जो धनराशि निर्धारित की है उसके तहत लोगों को इलाज दें, L2 फैसिलिटी, L1 फैसिलिटी या L3 फैसिलिटी जो वो कर सकते हैं उन्हें प्रोत्साहन देना है। जैसे भी शासन की तरफ से जो भी सपोर्ट की आवश्यकता है वो हम लोग देंगे। प्लस हम अपने गवर्नमेंट फैसिलिटी में भी ये प्राविधान करें। उसी क्रम में हमारा 100-bed TB हॉस्पिटल जो पहले से ऑक्सीजन बेड्स के रूप में L2 के रूप में चल रहा था, वहाँ हम वेंटिलेटर 10 स्थापित कर रहे हैं और वेंटिलेटरी सुविधा के साथ उसे हम 60-80 बेड्स तक एक्सटेंड करेंगे। और BRD मेडिकल कॉलेज में 300 बेड अलग से वहाँ बनाया जा रहा है, जो ऑक्सीजन बेड्स होंगे और फिर बाद में उसमें वेंटिलेटर्स भी लगाए जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा होती है।